वंस अगेन वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेरा नाम है नायाब और आप देख रहे हैं बीच फिटनेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे एनाबॉलिक्स, ऐसे स्टेरॉइड्स जिसको बिगिनर्स को कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए गलती से भी। सो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, बट जो रेड बटन निकल गया है उसको भी टक 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 ज़रूर दबाए ताकि इस तरह का ललनटा आपका थ्रू वीडियो आपको एक रेगुलर बेसिस में मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेट्स गेट इनटू द बिजनेस। बिगिनर को जो पहला स्टेरॉइड से कभी भी ट्राई नहीं करना चाहिए, भले ही इसके बारे में बहुत कुछ सुना है आपने, ये है ट्रेनबोलोन एसीटेट। ट्रेनबोलोन एसीटेट फ्रेंड्स बहुत ख़तरनाक है। तो अगर आप एडवांस है, आपने 2-3 साइकिल कर लिया है, देन यू कैन गो फॉर इट। बट आप अगर बिगिनर है, प्लीज़ 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 डोंट गो फॉर इट, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट इस तरह होता है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली ये ट्रेनबोलोन का साइड इफ़ेक्ट है, बट आपको हो रहा है। पहला साइड इफ़ेक्ट उसका ये होता है कि साइड इफ़ेक्ट नहीं, आपका साइकोलॉजिकल चेंजेस होता है, ये कि आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअल फीलिंग बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप नए हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कुछ मिस्टेक्स कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको फैमिली को परेशानी हो सकता है। एंड द सेकेंड इज़ इमोशनल साइड इफ़ेक्ट, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं एंड इमोशंस आर वेरी बैड फ्रेंड्स, क्योंकि इमोशंस में हम लोग बहुत कुछ कर जाते हैं। सो ट्रेनबोलोन एसीटेट अगर आप बिगिनर है तो कभी ना ले, भले ही आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देता है बट इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। मे बी आप इसको समझ नहीं पाएंगे, बट ये ट्रेनबोलोन एसीटेट का साइड इफ़ेक्ट है। एंड द सेकेंड वन इज फ्रेंड हेलोटेस्टिन। यस फ्रेंड्स, हेलोटेस्टिन इज़ वेरी वेरी डेंजरस। ये ओरल में आता है बट इसका जो इमोशनल साइड इफ़ेक्ट है बहुत ज़्यादा है। मुझे तो डायनाबॉल से इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो गया था, और हेलोटेस्टिन मेरे एक फ्रेंड ने यूज़ किया था, तो उसने मुझे बोला ये सब सारा साइड इफ़ेक्ट हो रहा है उसे, तो मैं समझ गया। मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने उससे इंफॉर्मेशन गैदर किया। एंड फ्रेंड्स, जो बॉक्सर्स होते हैं, जो MMA खेलते हैं, उन लोगों में हेलोटेस्टिन का अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इट मेक्स यू लाइक ए मॉन्स्टर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंपल मॉन्स्टर, इट मेक यू मॉन्स्टर इमोशनली। लाइक अगर आपके फैमिली को किसी कोई कुछ बोलता है, या अगर आप कोई भी आपका अपना अगर कुछ बोलता है, तो एक इमोशनल जो एग्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इमोशंस में आप कुछ भी कर सकते हैं। एंड बॉडी बिल्डिंग इसलिए थोड़ा बदनाम है क्योंकि ये हेलोटेस्टिन जो ये सारे स्टेरॉइड्स है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। एंड हेलोटेस्टिन थोड़ा एक्सपेंसिव होता है फ्रेंड्स। मे बी एज फार एज आई रिमेम्बर, टाइगर का शायद 30 टैब 2600-2500 में मिलता है। सो देख लीजिए कितना एक्सपेंसिव है, बट इट इज़ वेरी डेंजरस हेलोटेस्टिन। एंड इसका इमोशंस वगैरह जो साइड इफ़ेक्ट है मुझे बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि बाकी सब तो ठीक है, PCT वगैरह करके हो जाता है, बट एक इमोशंस जो होता है इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है, आप बहुत कुछ पुरानी बातें सोचते हैं। एंड हेलोटेस्टिन फ्रेंड, इफ़ यू आर ए बिगिनर, नेवर एवर ट्राई दिस। हेलोटेस्टिन इज़ लाइक इट्स टू मच, हेलोटेस्टिन इज़ सो डेंजरस एंड इट इज़ सो टॉक्सिक टू लीवर। एंड जो इसका इमोशनल साइड इफ़ेक्ट है जो आपको मॉन्स्टर बनाता है, एंड मे बी योर गर्लफ्रेंड आपको पसंद कर सकती है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं, बट दैट काइंड ऑफ इमोशंस इज़ नॉट गुड, क्योंकि अच्छा नहीं होता हमेशा। एंड जो तीसरा जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है फ्रेंड, वो है एनाड्रोल। एनाड्रोल को आप अगर बिगिनर है तो कभी यूज़ ना करें, बिकॉज इट इज़ सो लीवर टॉक्सिक, एंड कुछ ज़्यादा हो जाएगा अगर आप बिगिनर है। एंड आप डायनाबॉल ट्राई करें, इट्स ओके, डायनाबॉल इज़ ओके इफ़ यू आर ए बिगिनर, बट एनाड्रोल इज़ टू मच। एंड मेरे ख्याल से एनाड्रोल, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, वो रिज़ल्ट अच्छा देता है इंजेक्टेबल्स के साथ, बट अगर आप बिगिनर है तो एनाडोल कभी ना ले, इट इज़ वेरी वेरी लीवर टॉक्सिक एंड एग्रेशन वगैरह तो आता ही है, बट ये मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा नॉलेज है, ये इंजेक्टेबल्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। तो फिर भी अगर आप बिगिनर है, अगर आप इंजेक्टेबल भी ले रहे हैं, तो टेक डायनाबॉल, बिकॉज एनाड्रोल फर्स्ट साइकिल के लिए सही नहीं है। एंड द फोर्थ वन इज फ्रेंड्स सुपरड्रोल। मैंने वीडियो बनाया था, सुपरड्रोल का रिजल्ट बहुत अच्छा है एंड साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है, बट फ्रेंड्स इसका जो एक डाउन साइड ये है कि ये थोड़ा लीवर टॉक्सिक होता है एंड इट अगेन मेक्स यू वेरी इमोशनल। स्टेरॉइड्स का यही ख़राबी है कि इमोशनल करता है, और फ्रेंड्स आपको पता है इमोशंस में
लोग बहुत कुछ कर जाते हैं क्योंकि उस वक्त होश नहीं रहता, और मुझे ये इमोशंस वाला साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और एक लड़के ने भी मुझे मैसेज किया था कि दूसरी किसी की गर्लफ्रेंड को देखता हूँ तो मन करता है उसका गर्लफ्रेंड को तोड़ के खुद में लगा लूँ। यस फ्रेंड्स, ये होता है एक्चुअली में, ये होता है, इस तरह के थिंकिंग आते हैं, मुझे भी आता है। एंड आप बोल नहीं पाओगे, आपको शर्म लगेगा कि इस तरह का थिंकिंग आता है जब आप स्टेरॉइड्स लेते हो, बट इट इज़ एज इट इज़, ये होता है। एंड इमोशनल साइड इफ़ेक्ट आर नॉट गुड। एंड बस यही फ्रेंड्स, इस वीडियो में यही चार जो स्टेरॉइड्स था इसके बारे में आपको बताना चाहता था। एंड हेलो टेस्टिन, इट इज़ सो डेंजरस इफ़ यू आर ए बिगिनर, and stay away from it, and along with that stay away from all the three, like anadrol and superdrol and trenbolone acetate, and if you are intermediate and advanced then you can go for it, but a beginner hai to aap inse shuru na kare, go with light compound like testosterone, enanthate, decadeorabolin and dynabol, and stay safe. So that's being said friends about the steroids you should be stay away with, and that's it friend. Milte hain next video mein, until then goodbye, one love, peace, aur jo red button nikal gaya usko tak 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 zarur dabaye, taki is tarah ka lalant aap katru video aapke ek regular basis pe milta rahe. So friends, milte hain next video mein, until then one love, peace out, I love you all.